तो फ्रेंड्स चलिए इसकी क्विक से अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने तो इसका अनबॉक्सिंग किया हुआ, लेकिन मतलब आप तो इतनी महंगी चीज़ अगर ले रहे हो रियो, तो आप सभी को मतलब समझ सकते हो ना आप, तो हमारा दिल क्या कहता है। तो एक छोटे से हमारे वन प्लस की इसकी अनबॉक्सिंग करते। तो गाइस हमें आपको पता है जिन लोगों के पास ये होगा या 70 प्रो होगा जिन्होंने लिया है, तो सबसे पहले हमारा जो मैकलन एडिशन का मैकलन की जो किताब रहती है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो गाइस इसमें कुछ नहीं, बेसिक सा मतलब बुक तो बेसिक नहीं है, बुक में सब मैकलन का जो कुछ है सारा हिस्ट्री उन्होंने बताया मैकलन कार के बारे में और कैसे कैसे उन्होंने डेवलप किया क्या, ये सब बातें इसमें बताई है। तो ये बेसिक वन प्लस मैकलरन जो एडिशन थी, तो आपको पता है मैकलरन मतलब एक स्पीड के जो दीवाने लोग होते हैं वही मैकलरन, उनको ही पता होगी मैकलरन क्या होता है। तो ये मैकलरन जो एडिशन है इसमें 10 GB रैम आती है, आपको पता होगा वन प्लस 60 में, तो 60 की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो बहुत सारे हमारे बंदे बहुत होशियार होते कि भाई 70 70 प्रो ये सिखाने लग जाते हैं, लेकिन लेकिन दोस्त ये वन प्लस 60 मैकलरन एडिशन है। आप देख सकते हो इसमें वार्प जंप 30 आता है और स्क्रीन अनलॉक वगैरह ये सब कुछ मतलब नॉर्मल चीज़ें दी है। सबसे मेन बात इसकी जो जो इसमें आते हैं 10 GB की रैम और इसमें 256 GB की हमें मेमोरी देखने को मिलती है, तो ये सब उसकी सबसे मेन बात है। तो आइए अब देखते हैं हमारा फ़ोन। तो गाइस ये रहा हमारा वन प्लस 60 मैकलन एडिशन। तो ये मुझे कितने में मिला क्या मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले फ़ोन का एक और देख लीजिएगा। और एक चलो एक काम करो, मैं आपको एक सिनेमेटिक शॉट ही बताता हूँ, तो आप सिनेमेटिक एंजॉय कीजिएगा। आपने सिनेमेटिक देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स देखो मतलब ये जो मुझे फ़ोन मिला है गाइज, ये मुझे पड़ा है 27,000 रुपीज़ में, 10 GB रैम 256 GB हार्ड डिस्क। तो आप देख सकते हो कि देखिए फ़ोन कितना अनटच कंडीशन में है, फ़ोन पे एक भी स्क्रैच नहीं, और ऑलमोस्ट जो फ़ोन की जो ये सारे स्क्रीन गार्ड है आप देख सकते हो, ये स्क्रीन गार्ड भी जैसे कि वैसे ही है। और ये साइड से भी आपको बताता हूँ मैं जो फ़ोन की मतलब एकदम जो कंडीशन है, और इसकी कार्बन फिनिशिंग भी देख लीजिए आप कितनी अनटच है, एकदम पूरी दिख रही है। और आपके आपको मैं बताता हूँ इसके साथ मुझे और क्या क्या मिला है। तो गई जे हमारी बुक रही साइड में, तो जो ये आर्म एडिशन का इनका जो मतलब सॉरी जो मैकलन एडिशन का जो इनका एक कार्बन फाइबर वाला जो कवर है तो वो भी मुझे इसके साथ मिला है। और ये जो अपना इसका जो चार्जर आता है आप सभी को पता ही होगा, एक इसका वन प्लस 60 के साथ मैकलन के साथ 60 के साथ 20 वैट का चार्जर आता था, ये मैकलन के साथ मुझे 30 वैट का चार्जर भी मिला है। और गाइस ये इनकी जो ब्रेडेड केबल है वो भी मिली है मुझे वन प्लस की, हमारे सिक्स जो भी नॉर्मल एडिशन के वन प्लस होते हैं उनके साथ सादी एकदम केबल आती है रबरी, लेकिन इसके मुझे आप देख सकते हो कि ब्रेडेड टाइप केबल है, मतलब ये आसानी से ख़राब नहीं होती, तो एक अच्छी बात है। और साथ में कवर भी मिला है वो भी एकदम वेल कंडीशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप फोन देख सकते हो, मुझे मतलब आज बहुत सारे लोग बोले कि मैंने 70 क्यों लिया नहीं, 70 प्रो आज 8 आ चुका है 80 प्रो। तो गाइज मैं वन प्लस 8 भी यूज़ कर चुका हूँ, 70 प्रो भी यूज़ कर चुका हूँ, अब मेरे पास अभी भी 70 प्रो है जो मेरा फूट चुका था, लेकिन मुझे मतलब जो 60 आया था नया तो मैंने 60 यूज़ किया था, तो इसलिए मैंने 60 को मुझे बहुत ही काफ़ी हैंडी और लाइट वेट हैंड्स लगता है, मतलब काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन होता है यूज़ करने में, इसलिए मुझे पसंद आया। और इसकी जो 60 मैकलन की ये जो आप कार्बन फिनिशिंग देख रहे हो, ये इसकी जो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसकी जो ये ऑरेंज लाइनिंग आती है तो मुझे ये सबसे ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत लगता है। मतलब मैं अभी आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि अभी दिख कैसे रहा है, लेकिन हाथ में तो बहुत ही कूल है। तो 27,000 रुपीज़ मुझे इसमें खर्च करना वर्थ लगा, और इसकी मतलब स्नैपड्रैगन 845 है, तो स्नैप यो इतना ही मतलब प्रोसेसर नकली नहीं है, बहुत ही अच्छा। आपको पता है आज 865 65 प्लस है, लेकिन 845 ज़्यादा पुराना नहीं है, तो ये मतलब हमारे सारे काम इसमें हो जाएंगे। हम देख सकते हो मैकलन का इसका लोगो आ गया और ये फ़ोन हो गया अब हमारा ऑन। तो मुझे मतलब
ये फ़ोन 27,000 रुपीज़ में एकदम वर्थ लग रहा है, तो अच्छी बात है ना। 10 GB रैम है, 256 GB इनबिल्ट है, तो हमारे सारे काम तो हो ही रहे। और ऐसे ही मेरे पास एक ROG है, ये मेरा एक सेकेंडरी फ़ोन होने वाला है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी मतलब वीडियो शेयर करना चाहिए, वीडियो बता के कि क्या मतलब मैंने मोबाइल कैसे लिया, कितने मिला। और अगर गाइज आप में से जो भी सारे बंदों को ये फ़ोन की अगर मतलब इंटरेस्टेड हो गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं आपके इसकी एकदम वैलिड लिंक जो है रिओन फ़ोन की तो वो मैं दे दूँगा, और आपको भी ऐसे ही कंडीशन में फ़ोन आ जाएगा तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। अगर इसमें थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल स्क्रैचेस वगैरह वाला फ़ोन जो होता है वो मे बी 23-24 के रेंज में आता है, इसे मैंने सुना है। तो गाइज लेकिन अगर आपको इसी अनटच कंडीशन में चाहिए तो 27,000 तक के आपको ही मिल जाएगा, तो मुझे ज़रूर बताना, मिलेगा आपको बता दूंगा। और इसका जो रिव्यू होगा, मैं अभी इसको एक 8 से 10 दिन यूज़ करूँगा, उसके बाद में इसका एक रिव्यू वीडियो डालूंगा गाइज। अगर आपको लगा तो मुझे कमेंट में ये भी बताना, इसका एक मैं रिव्यू वीडियो 101% करूँगा, तो मुझे मतलब ये फ़ोन मुझे कैसे लगा कि लेना वर्थ है या नहीं, इसकी बैटरी बैकअप कितना दे रहा है, क्या दे रहा है। मैंने इसको अभी यूज़ नहीं किया हूँ, तो इसको सिर्फ चार्ज किया और अभी आप लोगों के सामने मतलब अनबॉक्सिंग का एक वीडियो किया, तो मैं अभी इसको यूज़ करना चालू करूँगा और उसके बाद में आपको बताऊँगा कि ये मुझे कैसे लगा, मतलब यूज़ करें इसका बैटरी बैकअप वर्थ है या नहीं, बैटरी बैकअप पूरा देता है या नहीं, चार्जर वगैरह मतलब चार्जिंग टाइम ऑन टाइम है कि नहीं, इसके सारे कुछ जो भी बातें मैं वो आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूँगा। और बस आज के वीडियो में ये एक बात थी कि मतलब सिर्फ आपको अनबॉक्सिंग, मुझे मेरा ये नया वाला फ़ोन पता ना कि मैंने 60 मैक्लारेन एडिशन लिया हो, तो मेरा एक जो मेन फ़ोन है वो ROG है, ASUS ROG 2। तो गाइज बस आज की वीडियो में यही था, अगर आपको आपके भाई का कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज़ गाइज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। तो थैंक यू फ्रेंड्स।